बहरामजी टाउन के गोंडवाना चौक परिसर में स्थित जेपी हाइट्स नामक बहुमंजिला इमारत की कंपाउंड वॉल ढह गई। बड़ी दीवार बगल के मकान पर गिर पड़ी, जिससे मकान भी पूरी तरीके से ढह गया है। आपको बता दें कि इस मलबे में दबकर मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा गुरुवार की रात हुई तूफानी बारिश के चलते हुआ। मृतकों में ज्योति अशोक यादव और अमन अशोक यादव का समावेश है। गोंडवाना चौक पर जेपी हाइट से लगकर ही आदिवासी नगर में यादव का मकान है। अपार्टमेंट के भीतर बड़े पेड़ भी लगाए गए हैं। गुरुवार की रात आए तूफान के चलते चार पेड़ जमीन से उखड़ गए। पेड़ गिरने से अपार्टमेंट की दीवार ढह गई। करीब 10 फुट ऊंची और 25 फुट लंबी दीवार का हिस्सा यादव के मकान पर आ गिरा। उनका मकान पूरी तरह से ढह गया है। इस समय ज्योति और अमन घर पर ही मौजूद थे। दोनों मलबे के नीचे ही दब गए। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस एवं दमकल विभाग को दी है। खबर मिलते ही सदर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। अमन को बाहर निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उसे उपचार के लिए मेयो अस्पताल रवाना किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।